आज मैंने टमाटर की ऐसी चटपटी सॉस बनाई है ना कि ये सॉस बनाने के बाद तो आप पक्का ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो और लाइक भी करने वाले हो, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस सॉस के लिए मैंने यहाँ 600 ग्राम बस टमाटर लिए हैं। किसी भी तरह के टमाटर आप ले सकते हो, बट इस तरह की लाल लाल और फ्रेश टमाटर हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़ी सी अदरक और एक छोटा सा बीटरूट 1/4, बस थोड़ा सा कलर के लिए। अब सारे टमाटर को 4 भाग में काट लेना है। ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करनी है, इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि हम सबसे पहले इसे पकाएंगे। हाँ, टमाटर को धो के अच्छे से पोंछ लेना है, पानी नहीं रहनी चाहिए। मोटा मोटा इसलिए काटना है ना कि जब तक ये पकेगा तो इसका सारा पानी भी सूख जाएगा और अच्छे से ये भुन भी जाएगा, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। अगर हम इसे फाइन चॉप कर देंगे तो ये टमाटर जल्दी जल्दी गल जाएगी, फिर हमें पता नहीं चलेगा वो अच्छे से भुनी है या नहीं, ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, इसलिए बस 4 भाग में काट लेना है। और अब आगे का प्रोसेस, पहले अदरक अच्छे से कट कर लेते हैं। अदरक को थोड़ा फाइन ही काटेंगे तो वो अच्छे से पिस जाएगी, फिर अदरक का छोटा भी टुकड़ा मिलेगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अदरक काट लेने के बाद हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं, इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सारा साबुत मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1-1 टेबलस्पून सारा कुछ लेना है, अजवाइन, साबुत धनिया और कुछ गरम मसाले जैसे थोड़ी लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, 4-5 लाल मिर्च, बस इन सब मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप सारी स्टेप्स फॉलो करके अगर इस सॉस को घर पे बनाओगे ना, ये इतनी ज़्यादा यमी बनने वाली है। आप वापस आके आप पहले कुछ मत बोलना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, आप पहले इस सॉस को बनाना, फिर आके मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी, और तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो। बीटरूट वैसे ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन वो डालने से ना बहुत ही अच्छा कलर आता है। जब सारा मसाला भुन जाए तो उसे निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम लोग बीटरूट, अदरक और टमाटर ऐड कर देंगे। फ्लेम अभी हाई है, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून बस थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें नमक डालने के बाद, अच्छे से मिला लेंगे। बस इसे ढक के, और अब जब तक ये ढक के 2 मिनट पकती है ना, मैंने सारा मसाला जो साबुत मसाला था उसे पीस लिया अच्छे से, ये देखो आप, और अभी इसमें डाल देंगे। बस इसमें और कोई मसाला अब नहीं डालना है, यही जो मैजिकल मसाला है ना, ये सौंफ, अजवाइन, इतनी डिलीशियस लगती है, मेरे घर में ये सबको इतनी पसंद है ना कि मैं बनाती हूँ और ये तुरंत से ख़त्म हो जाती है। आप भी अपने घर में ज़रूर से ही ट्राई करना, सब लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में मांगने वाले हैं और ये तुरंत ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो ये 2 महीने आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बट उतना दिन ये चलता ही नहीं, आप इसे बना के तो देखो। बस ये इजी वे वाला सॉस, जो कि बस ये मैजिकल मसाले हमने डाले, मसाला अच्छे से मिला देना है। फ्लेम अभी लो मीडियम है क्योंकि हमने अभी तुरंत मसाला डाला है, सो फ्लेम को कम नहीं करना है। सारा चीज़ को मिला के अब ढक दिया मैंने फ्लेम लो करके। 3 से 4 मिनट बाद लिड हटा के बीच बीच में थोड़ा चला दें, ताकि अगर तले पे चिपके, वैसे ये चिपकेगा नहीं, फिर भी एक बार मन की संतुष्टि के लिए बीच बीच में चेक करते रहें, इतनी अच्छी डिश बना रहे हैं, ख़राब तो नहीं होनी चाहिए। ढक के आप छोड़ भी सकते हैं 5 मिनट तक, इसमें इतनी पानी है कि कुछ नहीं होता, बट आप 2 से 3 मिनट में बीच बीच में लिड हटा के चेक करें इसे, और थोड़ा चला दें अच्छे से, मसाला और अच्छे तरीक़े से मिल जाएगा और सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए टोटल 5 मिनट मैंने इसे पकाया, अब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, टमाटर की जो पानी है वो भी सूख गया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे क्या करना है, मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए ऐसे मैंने पीस लिया इसे, छानने वगैरह की झंझट नहीं है, बस आप इसे अच्छे से पीस लें। और उसी कढ़ाई में मैंने सारा पेस्ट को डाल दिया,
नॉर्मल जो मार्केट से हम लोग टमाटो सॉस लाते हैं उससे तो 100 गुना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आप इसे बस बना लो एक बार, मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी लगने वाली है। एक कटोरी मैंने इसमें चीनी डाला है, 600 ग्राम टमाटर में 100 ग्राम के करीब चीनी होगी ये। और एक ये इंग्रेडिएंट है, ये वाइट विनेगर है, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। इससे इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और विनेगर से सिर्फ सेल्फ लाइफ ही नहीं बढ़ेगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें हींग डाल दिया और बस। चीनी डालने के बाद क्योंकि ये पहले से बहुत अच्छे से ही पकी हुई है सो अब ज़्यादा नहीं पकाना है, अभी फ्लेम हाई है। जब इसमें थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगे तब फ्लेम को लो करके इसे 2 मिनट तक पकाएं अच्छे से। अभी क्योंकि इससे हल्का हल्का छीटा उड़ रहा है तो इसे चलाते रहें, ढकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस 1 से 2 मिनट हल्का सा ताकि सारा चीनी भी अच्छे से पक जाए। अब गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसका कलर और टेक्सचर देखो, ये कितनी ज़्यादा डिलीशियस देखने में ही लग रही है। खाना बस टेस्ट में ही अच्छा नहीं, वो दिखना भी अच्छा चाहिए, तभी तो कोई खुश होकर खाना शुरू करेगा ना। बस इसे क्या करना है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्लास की बॉटल हो, प्लास्टिक की भी कंटेनर, बस फूड ग्रेड प्लास्टिक होनी चाहिए, आप उसमें इसे डाल के फ्रिज में आराम से 2 से 2.5 महीने तक स्टोर करके रखो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दो।